हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द इंग्लिश क्लब। तो फ्रेंड आज हम एडजेक्टिव की सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और ये हम लोगों का लेक्चर नंबर थर्ड होगा। तो दोस्तों लेक्चर नंबर टू में हम लोगों ने कुछ डिटरमाइनर्स और इम्पोर्टेंट डिटरमाइनर्स था हम लोगों का फ्रेंड्स, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था ए फ्यू, द फ्यू और फ्यू वर्सेस लिटिल, ऑल लिटिल एंड द लिटिल। दोस्तों आज भी हम एक मजेदार टॉपिक लेकर आए हैं, इसी सीरीज में हम कर सकते हैं आगे, और हमारा टॉपिक है सम वर्सेस एनी। तो हम लोग फ्रेंड्स जानेंगे कि सम का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, एनी का इस्तेमाल कहाँ करते हैं। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं ये टॉपिक है क्या और किन किन बातों पर ध्यान देते हैं। तो शुरुआत करेंगे दोस्तों, एज यूजुअल हम जैसे बातें करते हैं कि सम एनी को, सबसे पहले हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच में देखें तो सम हमारा क्या होता है, ये प्रोनाउन भी है हमारा, ठीक है, और साथ ही साथ ये जो सम है हमारा एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव क्या है तो दोस्तों ये किसमें हम लोग कवर करेंगे इसको, डिटरमाइन में, ठीक है। और एनी का भी कुछ कर सकते हैं कि जातवाद बिल्कुल इसी के जैसा है, भाई दोनों एक ही ग्रुप में है, यह भी हमारा वही चलेगा, प्रोनाउन और साथ ही साथ डिटरमाइनर ही कहते हैं। अब कॉन्सेप्ट समझना है कि सम का इस्तेमाल कब करेंगे, एनी का इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों सम हम, मैं आपको बता दूं कि सम का इस्तेमाल हम दोनों दो सेंस में करते हैं, आई मीन टू से फ्रेंड्स, काउंटेबल के लिए, काउंटेबल नाउन होगा तो भी हम सम का इस्तेमाल कर लेते हैं, यदि कोई भी नाउन हमारा अनकाउंटेबल हो, ठीक है, अनकाउंटेबल बहुत सिंपल ही रहेगा, शॉर्ट वीडियो रहेगा और आपको अच्छे से समझ में आएगा। काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों ही कंडीशन में हम सम का इस्तेमाल करेंगे। अब हम लोग समझते हैं कि सम का ये मतलब क्या होता है। तो सम का मतलब है दोस्तों एन अमाउंट ऑफ, कुछ मात्रा में, एन अमाउंट ऑफ, और हम कह ले और ऐसे कर करके, और ए नंबर ऑफ, ए नंबर, और कंडीशन क्या है दोस्तों कि ये अमाउंट और नंबर नन नहीं है, दिया हुआ नहीं है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, नॉट गिवन, और हम कर सकते हैं नो, यह अमाउंट जो है हमारा गिवन नहीं है, नन नहीं है, इसको हमें जानकारी नहीं है कि अमाउंट कितना होगा, नंबर कितना होगा, क्योंकि सम से नंबर को भी सम से अमाउंट को भी। अब थोड़ी बात करेंगे हम लोग एनी को साथ में, इसको छोड़े के नहीं, ठीक है, एनी का भी कंडीशन सेम इसी तरह से है, काउंटेबल सीयूएनटी से ही काम चला रहे हैं, चूंकि आप सुन चुके हो, देख चुके हो, एनी काउंटेबल और अनकाउंटेबल इसको भी मैं ऐसा ही कर देता हूं, अनकाउंटेबल, ठीक है साथी। एनी का मतलब ही क्या होता है, एनी का मतलब है साथी इसी तरह के सिमिलर ही है, क्या होगा, एन अमाउंट ऑफ समथिंग, यहां पर होगा ए नंबर ऑफ समथिंग, ठीक है, समबडी भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। कंडीशन सिर्फ क्या है कि यहां पर अमाउंट और नंबर बिल्कुल हमारा गिवन नहीं है, कुछ भी पता नहीं है कितना है, लेकिन अमाउंट एनी के कंडीशन में अमाउंट और जो नंबर है साथ ही इसमें भी नन नहीं है, लेकिन इसमें है कि कुछ भी हो अमाउंट या नंबर, ओ या तो स्मॉल भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, ये जो हमारा नंबर अमाउंट है मे बी अ स्मॉल और बी बड़ा भी हो सकता है, दोनों सेंस में हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। हिंदी इक्विवेलेंट अभी हम कहते हैं तो सम का मतलब कुछ थोड़ा कर सकते हो, दोनों का मतलब यही है, सम और एनी कोई थोड़ा कुछ, हम हिंदी की वैलेंट इसको क्या करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं फ्रेंड्स, समझते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम आपको डिफरेंसेस जो कहते हैं ना कि जो माइनर डिफरेंस है जिसके थ्रू हम लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे, तो जो एनी है साथी हमारा, एनी का हम इस्तेमाल करेंगे जो की फैक्टर्स में बता रहा हूं, इसको मोस्ट ऑफन इस्तेमाल करेंगे हम लोग क्वेश्चन, इसको इस्तेमाल करेंगे क्वेश्चन, और हम इस्तेमाल करेंगे निगेटिव पैटर्न, सम का इस्तेमाल मोस्ट ऑफन हम जो देखते हैं वो अफर्मेटिव वर्ब के साथ होता है, अफर्मेटिव वर्ब के साथ। अब एक एग्जांपल लेकर मैं आता हूं आपके लिए, ताकि आप एग्जांपल को तुम समझ सकते, जैसे आई हैव सम वर्सेस एनी मिल्क, तो यदि आप यहां पर आई हैव एनी मिल्क कहते हो तो सेंटेंस बिल्कुल ही आपका गलत हो जाएगा, गौर से सुनना, आई हैव सम मिल्क हम करेक्ट करेंगे, यदि आपने सम को करेक्ट करके यदि इसमें टिक किया
किया तो फिर सेंटेंस ओवरऑल ही हमारा गलत हो जाएगा। चलिए मैं लिख कर दिखाता हूं, मैं बोलूंगा कि अच्छा बना सकता हूं। चलिए वेयर इज द स्टॉप वाई डस्ट यहां पर है, देखो ये सेंटेंस यदि आपने ऐसे लिखा आई हैव एनी मिल्क, तो ये सेंटेंस ही हमारा गलत हो जाएगा। हम एनी इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि एनी का हम अभी बता चुके हैं इसमें ना कोई क्वेश्चन किया जा रहा है ना ये कोई निगेटिव पैटर्न है, तो फिर सेंटेंस आपका बिल्कुल क्या हो गया, गलत हो गया। अब ये सेंटेंस को मैं सुधार देता हूं ताकि आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आई हैव सम मिल्क, ये हमारा गलत हो गया। कॉन्सेप्ट हम लोगों का क्लियर है या नहीं क्लियर है? ये बिल्कुल हमको, अब मिल्क के जगह पर वाटर वगैरह कुछ भी लिखेंगे तो भी एग्जाम्पल देते, फॉर एग्जाम्पल देते, जैसे You have some versus any money. अब यहां पर भी हम लोगों को देखेंगे तो अच्छे से इस चीज को हम लोग समझ सकते हैं। क्या समझ सकते हैं? अब यहां पर देखो, अब देखो तो ठीक है, तो अब यहां पर भी हमारा एक ही पैटर्न है। एनी को फिर हम प्रीफर नहीं करेंगे, हम प्रीफर करेंगे यू हैव सम मनी। आप अभी लिखते हो साथी कि यू हैव एनी मनी, ठीक है, तो ये सेंटेंस हम लोग गलत कर बैठे बिकॉज ऑफ एनी। इस एनी की वजह से हमारा सेंटेंस क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। अब लेकिन मैं आपको और भी सेंटेंस देखता हूं ताकि क्लियर हो जाए। लेकिन हम जैसे कहते थे सी हजन, ठीक है, सी हजन गॉट सम और एनी मार्क्स इन द एग्जाम। अब तुम देखो यहां पर सिंपल पैटर्न, ठीक है, अब यही हमने हजन निगेटिव पैटर्न लाया। देखो निगेटिव पैटर्न कहां पर जाना है, खत्म कॉन्सेप्ट हो गया, एनी बिल्कुल आप सही जवाब दे रहे हैं, यानी हम सम को प्रीफर नहीं करेंगे फ्रेंड्स, हम प्रीफर किसको करेंगे, एनी को। तो और एग्जांपल मैं आपके लिए लेकर आता हूं, आप मुझे आंसर कीजिएगा, जैसे ठीक है ना, जैसे यू हैव, ठीक है, Got any versus some, चलिए कहीं आपको मिलना ना हो जाए, मिल ना जाए, इसलिए मैं बाउंड्री क्रिएट कर देता हूं, ये भाई भारत पाकिस्तान की बाउंड्री है, ठीक है ना, इसको याद रखेंगे। यू हैव गॉट एनी और सम व्हाट बुक्स फ्रॉम मी, मेरे से आपने, मैंने आपको किया, तो आप देखो कि ये नेगेटिव पैटर्न है, डेफिनेटली नहीं, तो आप ये नहीं यदि प्रीफर करते हो तो फिर से गलत कर बैठेंगे। हम किसका इस्तेमाल करने वाले हैं, एनी का, एनी का नहीं, नेगेटिव है नहीं, नेगेटिव है क्वेश्चन है नहीं है तो सम का। लेकिन मोर एग्जांपल्स लेकर आता हूं, जैसे डिड यू गेट सम और एनी एडवाइस फ्रॉम योर पेरेंट्स। अब यहां पर क्वेश्चन ही स्पष्ट में लिखा हूं, मैं इतनी सिंपल सेंटेंस लेकर आया हूं कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब यहां पर बड़ा क्वेश्चन है, क्या टिक करोगे, एनी, देखो क्वेश्चन है एनी, सम भी होगा बट प्रीफर हम लोग एनी को करते हैं। मोर एग्जाम्पल, ठीक है, हैड सी प्रोवाइडेड सम वर्सेस एनी हेल्प टू दी पुअर। अब ये सेंटेंस देखो, हैड सी प्रोवाइडेड सम और एनी हेल्प टू द पुअर, क्या उसने उन गरीबों को कोई मदद पहुंचाई थी, कोई ऐसा मदद की थी, एनी, नो डाउट, यार आप बिल्कुल सही पकड़ रहे हैं।
तो आई थिंक अब तो चलो कभी इसके से हमारे पास और एग्जांपल्स ले सकता हूं। यहां पर साथी में और कई सारे एग्जांपल्स हम ले सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल प्रेजेंट इंडेफिनिट पर ही ठीक है हैज मेड सम वर्सेस एनी any इसमें new word इस्तेमाल कर दो he has made some versus any new friends in his school। अब यहाँ पर आप देखो friends ठीक है, अब यहाँ पर बिल्कुल आप अच्छे से देखोगे तो अब क्या होगा कि अब यहाँ पर कोई negative नहीं है ना ही कोई question है, तो he has made some any छुट्टी रहेगा इसकी सैटरडे मानकर चलो और हम टिक करेंगे किसको सम होगा। अब मैं एक बात और लिखा हूं फ्रेंड्स कि एन अमाउंट ऑफ और ए नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ डिनोट कर रहा है अनकाउंटेबल नाउन, ए नंबर डिनोट कर रहा है काउंटेबल नाउन। चलो बिगिनिंग से चलते हैं, आई हैव सम मीन अनकाउंटेबल बिगिनिंग से ठीक है, यू हैव सम और एनी मनी अनकाउंटेबल दोनों कंडीशन में वैसा आता होगा ठीक है, यू हैव एनी मनी गलत गलत क्योंकि क्या है अफर्मेटिव है तो सम होना चाहिए। He hasn't got some or any marks, अब देखो निगेटिव है तो इसके साथ नाउन काउंटेबल हो गया ठीक है। यू हैव गॉट सम और एनी बुक्स इन, अब देखो सम के साथ सबका एग्जाम्पल था अनकाउंटेबल का, अब देखो मैंने क्या बुक एग्जाम्पल आया है नाउन काउंटेबल का, तो दोनों आपने देख लिया। यही मैं दिखाना चाहता था कि हम सम का इस्तेमाल काउंटेबल नाउन के साथ भी और अनकाउंटेबल, ये एग्जांपल नाउन अनकाउंटेबल कराएगा, ये एग्जांपल नाउन काउंटेबल कराएगा। और एग्जांपल बहुत सारे मैंने लिखा था डिड यू गेट सम और एनी, अब यहां पर फिर देखो एनी के साथ हमने देखा था नाउन काउंटेबल लेकिन अब देखो एडवाइस मैंने लिख दिया नाउन अनकाउंटेबल, तो दोनों कंडीशन और दोनों मैंने बता दिया कॉन्सेप्ट समझना काउंटेबल अनकाउंटेबल, तो ये सारा था। तो फ्रेंड्स उम्मीद करेंगे आपका ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा, अब आप कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे और एग्जांपल ले सकते, एक और एग्जांपल ले लो क्या ये सर, एक और एग्जांपल ले लेता हूं, डिड यू हैव सम इज इट विजिबल, जरा देख बताएंगे हम आप देख करके दिख रहा है लोगों को, डिड यू हैव सम और एनी एप्पल्स ठीक है इन योर बास्केट, इन योर बास्केट लिख ही देता हूं ताकि अच्छा लगेगा सेंटेंस, डिड यू हैव सम और एनी एप्पल्स इन योर बास्केट, क्या तुम्हारे टोकरी में कोई सेब है। हम तो बता रहे थे कि सम एनी का मतलब कोई कुछ थोड़ा, हिंदी की उदाहरण हिंदी से नहीं चलना है, मैंने कॉन्सेप्ट बताया आपको इसी पर करना, अब आपको कई किसी भी तरह के सेंटेंस में कोई दिक्कत आपको नहीं होगा ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखो कि क्वेश्चन है सम की एनी टेबल क्या होगा सम बुक्स ठीक है, हैव आई गॉट सम और एनी हेल्प फ्रॉम यू एनी, वाह यार गजब। तो दोस्तों ये था हमारा, तो आप ये ओरल सेंटेंस भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको टेंशन में समय देता हूं, जल्दी से इसको नोट कर लिए होंगे तो फ्रेंड्स जल्दी, अब तो उम्मीद है नोट कर लेंगे। अब अगला हम लोग का मजा टॉपिक है और मैं तो आप समय भी दूंगा आपको स्क्रीन करने के लिए, कर लिए होंगे मेरे साथ ही बहुत ही फास्ट काम करते हैं। अब हम लोग का एक और मजेदार वीडियो लाइन की हम लोग बात करेंगे, काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है ठीक है। अब हम लोग को मच वर्सेस मेनी पर बात करेंगे, दोनों डिटरमाइनर हैं साथ ही, दोनों डिटरमाइनर्स हैं और हम लोगों को देखना है मच वर्सेस मेनी। चलो देख लो मच वर्सेस मेनी, पहले आप समझोगे ये मच है क्या हमारा डिटरमाइनर के रूप में भी आएगा और हमारा एडवर्ब के रूप में भी आएगा। मेनी का भी कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा ही है, ये प्रोनाउन में भी आ जाएगा ठीक है ना, और ये हमारा डिटरमाइनर में आएगा ठीक है। देखो हम मच और मेनी दोनों का मतलब होता है भाई बहुत, इन ए लार्ज नंबर, इन ए फिल्म मीनिंग समझाता हूं, मच क्या होगा इन ए
अमाउंट ऑफ, और अमाउंट है तो समबडी नहीं होगा, समथिंग होगा, समथिंग याद रखेंगे। यही कॉन्सेप्ट ही मैं बता दिया, मच इन ए लार्ज अमाउंट ऑफ समथिंग, कोई समथिंग हो बड़ी मात्रा में हो, ठीक है। चलो मेनी ले आओ, मेनी के साथ क्या होगा, इन ए लार्ज नंबर ऑफ, यहां पर समथिंग भी हो सकता है, मेबी समबडी भी होगा। मेजर डिफरेंस की बात करें दोस्तों लार्ज और मेनी में, हिंदी से आपने चलो कि बहुत और कोई और कई, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। हम आपको सारा कॉन्सेप्ट पहले क्लियर करेंगे। मच का हम इस्तेमाल करेंगे फॉर इवर अनकाउंटेबल के साथ, अनकाउंटेबल नाउंस के साथ। देखो साथियों ये बहुत की फैक्टर काम करेगा, मच मीन्स अनकाउंटेबल, मतलब जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, समझो कि मच, बस इतना ही समझो, जिसको काउंट नहीं करेंगे वही हो गया हमारा क्या, अनकाउंटेबल, याद रखोगे ना, ठीक है ना। और एनी की कंडीशन में हम लोग आएंगे कि भाई ये काउंटेबल नाउन पर चलेगा, काउंटेबल जिसको आप कर सकते हो, मैंने काउंट और टेबल बना दिया तो बन गया काउंटेबल, मैंने टेबल को काउंट कीजिए बन गया काउंटेबल, काउंटेबल नाउंस। अब मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू समझाऊंगा आपको, ताकि आपको अच्छे से समझेंगे। चलो ज्यादा फटाफट एग्जांपल्स लेकर आऊंगा ताकि आपको बताना है कहां पर मच कहां पर नहीं। चलो आओ, चलिए दोस्तों मच नहीं को भी हम लोगों ने देख ही लिया है, अब इसमें इसमें बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है। हाँ एक चीज और बता रहा था, पहले बता दूं एग्जांपल करा दूं, चलो पहले बता ही देता हूं। एक चीज हमको सिर्फ ध्यान देना क्या है कि इसकी जब हम डिग्री की बात कर लेते हैं, डिग्री ऑफ कंपैरिजन, अंत में बताना चाहिए था लेकिन मुझे अचानक याद आया अभी बता रहा हूं। डिग्री ऑफ कंपैरिजन की बात करेंगे साथ ही हम, तो देखना गौर से कि जो हमारा पॉजिटिव डिग्री होगा, पॉजिटिव डिग्री, ठीक है, सेकेंड को हम लोग कहते हैं कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है ना, और थर्ड वाले को हम लोग कहते हैं सुपरलेटिव, यानी जो सबों में ऊपर उसी का नाम है सुपरलेटिव डिग्री। चलो ये सब स्टेट दिखाते हैं, पॉजिटिव डिग्री को एडिजेबल मेबी एडवर्ब का भी होगा, सेकेंड एडिजे टू एडिनी टू, थर्ड एडजेक्टिव का साथ ही थर्ड फॉर्म एडवर्ब का थर्ड फॉर्म। सर समझाना क्या चाहते हैं, देखो मैं टॉपिक से डिविएट नहीं हुआ हूं, मैं बिल्कुल टॉपिक पे ही हूं, मैं सिर्फ आपको एक इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन देना चाह रहा था, क्योंकि ये बात बिल्कुल इंफॉर्मेटिव लगेगी। जो हमारा मच होता है पॉजिटिव में भी मच, तो कंपैरेटिव हमारा होगा मोर, सुपरलेटिव होगा हमारा मोस, याद रखेंगे, ठीक है। और यदि हम पॉजिटिव में इस्तेमाल करें मेनी, तो या लगाकर मेनियर और एसटी लगाकर मेनियस्ट कर देंगे तो गड़बड़ा जाएगा साथी, ठीक है ना, और हर बार में गड़बड़ हो जाता है। याद रखोगे मच और मेनी दोनों का कंपैरेटिव होगा मोर, दोनों का सुपरलेटिव फॉर्म होगा मोस्ट। तो यही फ्रेंड्स मैं बताना चाहता हूं, अब कब इस्तेमाल करेंगे तो मैंने अंदर आपको बता दिया, जब नाउन काउंटेबल रहा तो हम इस्तेमाल करेंगे मेनी, और अनकाउंटेबल रहा तो हम इस्तेमाल करेंगे मच। फिर से बता दूं, यस सर, नाउन काउंटेबल तो मेनी, नाउन अनकाउंटेबल तो मच। सर थ्योरी बहुत हो गया, अब आइए एग्जांपल्स पर बात करते हैं। चलो अब एग्जांपल्स में आपको कराता हूं, कई सारे एग्जांपल्स में आपका कॉन्सेप्ट आसानी से क्लियर हो ही जाएगा, ठीक है ना। नहीं होगा तो फ्रेंड सरवाइव के वहां जैसा करता हूं, एक बार देख करके रोक करके वीडियो को, कोई भी पॉइंट नहीं समझ आता आप उसको नोट लिख करके यदि आप देखोगे ना, पहले आप नोट्स बना लेना फिर उसके बाद वीडियो को देखना पॉज कर करके, तो आपको क्या हो जाएगा आसानी से समझ में आ जाएगा। अब एग्जांपल मैंने कराया हूं, चलो देखो एग्जांपल्स है हमारे पास, मेनी वर्सेस मच, बहुत सिंपल सेंटेंसेस में करा रहा हूं, मेनी वर्सेस मच, ठीक है, वाटर is needed for this work। और यह काम करने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में पानी की, बड़ी संख्या में कि बड़ी मात्रा में, देखो लिखा हुआ है amount, much,
नंबर लेने पिक कर लो मछुआ यस सर मच वाटर रीजन वाटर नाउन अनकाउंटेबल है वाटर नाउन अनकाउंटेबल है अनकाउंटेबल का कॉलम खत्म कहानी नेक्स्ट एग्जांपल ठीक है मेनी वर्सेस मच ऑफ अस आर लेजी बालू मच और मेनी ठीक है मच और मेनी सुगर फ्रॉम द मार्केट बताओगे अब यहां पर सुगर मैंने कर दिया डेफिनेटली हम कंटेबल किसको करें प्रीफर करोगे मच आगे आ गया नेक्स्ट एग्जांपल्स करेंगे मेनी वर्सेस मच यही दो तो टिकी करना है मेनी प्लेयर्स आर ट्राइंग टू बी अ पार्ट ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम भाई हर एक प्लेयर का जो क्रिकेट खेलते हो या कोई भी गेम होता है सोचता हूँ भाई जो राष्ट्रीय है जो देश के लिए जो है टीम है अभी क्रिकेट में रोहित शर्मा हमारे देश के कैप्टन कर रहे हैं तो हर लोग का सपना होता है तो अब हमने प्लेयर्स लिखा प्रीफर किया ठीक है इसमें तो अब यहाँ हम इसको प्रीफर कर दोगे और एग्जाम्पल होते हैं मंच और नेनी ठीक है चिल्ड्रेन आर हंग्री क्या होगा चिल्ड्रेन है देखो ना प्लूरल है ठीक है का कॉन्सेप्ट नेनी नेक्स्ट मच वर्सेस मेनी ठीक है मिल्क मच वर्सेस मेनी इज बाउंड फॉर मेकिंग कपल्स ऑफ टी या सिर्फ ही करता हूं मेकिंग टी अब बताओ देखो नाम मिल्क तो क्या होगा मच खत्म कहानी है हमें नहीं लगता है साथी कि मच और मेनी पर कोई भी कॉन्सेप्ट होगा चाहे बिगनिंग में सेंटेंस रहे चलो बोलो कर लेता हूं हटा के हाथ चलो नेक्स्ट एग्जांपल्स आई गॉट मच और मेनी प्राइज प्राइजेस होगा क्योंकि नॉन कॉन्टेबल है तो क्या होता है कॉन्टेबल तो मेनी आई गॉट मेनी प्राइजेस नेक्स्ट एग्जांपल लेकर आता हूं चलिए नेक्स्ट एग्जांपल्स में लेकर आता हूं द कुक यूज मच और मेनी घी मच कंटेबल बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर दिया तो वन सेकंड सही पैटर्न तो साथी फिर से 10 सेकंड समय दूंगा आपको कॉपी करने के लिए हम उम्मीद करेंगे साथी आप नोट कर ही रहे होंगे जल्दी से नोट कर लो इसमें एक इंटरेस्टिंग और डिटरमाइनर पर आज हम बात करेंगे काफी इंटरेस्टिंग है तो आई थिंक आप लोग नोट कर लिए या बचा हुआ है चलिए ये साइड आप नोट कीजिए उसके बाद हम ये चीज को इरेज करेंगे अगला पॉइंट इतनी इंटरेस्टिंग है फ्रेंड्स जो आपको देखना मुझे काफी दिलचस्प हुआ ऐसा करते हैं सर बहुत तेज है ऐसा तो आई थिंक कुछ सेकेंड्स में आपको पॉज कर देता हूँ
आपके लिए समय दे देता हूँ ताकि आप जल्दी से इसको नोट कर लोगे, थोड़ा फास्ट ही करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा हम लोग के लिए, ठीक है ना। चलो जल्दी से कर लो, जल्दी से कर लो, जल्दी से कर लेना है। एक कॉन्सेप्ट हम लोगों को और देखेंगे, चलिए उम्मीद करते हैं बहुत समय मिल गया है क्या सर। एक कॉन्सेप्ट हमें देखना है जो काफी हम लोग कंफ्यूज करते हैं फिर, वो है हमारा एल्डर, ठीक है, एल्डेस्ट वर्सेस ओल्डर स्लैश या ऑल ओल्डेस्ट, ये है क्या सर, जरा इसको भी कंसेंट कर लीजिए। सारा डिटर माइनस पढ़ाऊंगा जो मैंने आपको टाइम्स में बताया है, एडजेक्टिव ऑफ टाइम लेक्चर नंबर वन में जितने मैंने वर्ड्स लिखा है हर एक का मैं आपको एक एक करके ऑपरेशन करके पढ़ाऊंगा दोस्तों, कोई कॉन्सेप्ट नहीं बचने वाला है, आप वीडियो को अंत तक देखें। अब समझो, देखो इसमें हमें काम करेगा ये एल्डर एल्डेस्ट ओल्डर ओल्डेस्ट में फर्क क्या है, तो आप ये कॉलम पर हम बात करने वाले हैं जिस तरह से मत आपने देखा, ठीक है ना, उसी तरह से आपको हम दिखाने वाले क्या है, एक और वर्ड दिखाएंगे दोस्तों हम, कि जो हमारा ओल्ड है, ठीक है ना, ओल्ड ये पॉजिटिव डिग्री में आएगा, एड इज ए वन, ठीक है, ओल्ड ओल्ड का ही कंपैरेटिव डिग्री हमारा होता है ओल्ड, और सुपरलेटिव होता है ओल्डेस्ट। तो सर ये तो बात क्लियर हो गया, ओल्डर और ओल्डेस्ट का रूट वर्ड क्या है, ओल्ड पॉजिटिव डिग्री। गौर से देखिएगा कैसे मैं आपको कन्विंस कर रहा हूं, ओल्डर और ओल्डेस्ट है क्या, तो ओल्ड पॉजिटिव डिग्री पार्ट्स ऑफ अ स्पीच में हमारा एडजेक्टिव है, डोंट गेट कंफ्यूज, ओल्ड एडजेक्टिव है, याद करो, पटना इज एन ओल्ड सिटी, पटना एक पुराना शहर, राइट। अब इस ओल्ड का पॉजिटिव डिग्री, ओल्ड पॉजिटिव डिग्री में जिसका कंपैरेटिव ओल्डर और सुपरलेटिव ओल्ड, तो सर एल्डर और एल्डेस्ट कहां से आ गया, तो देखो भाई एक आदमी है ये बहुरूपी है, ये रूप बदलेगा, ये ओल्ड का ही कंपैरेटिव डिग्री एक और होता है एल्डर, हां ये तो भाई कंफ्यूजन या कोई से, अब एक ही आदमी दो रूप में रहे, अब ये सिर में है, कल आज साड़ी पहन करके आए भाई, लोग कंफ्यूजन सर या कोई समथिंग और है, नहीं अलग नाम पहन करा तो अभी और पता चलेगा कि रात पार्टी में अटेंड करने जा रहा है, तो लोग कंफ्यूज कर जाएंगे, तो आपके कंफ्यूजन में, कंफ्यूजन जोन में नहीं रहना, मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा, की फैक्टर बता रहा हूँ, ओल्ड का ही कंपैरेटिव ओल्डर और एल्डर, और इसी का भी हमारा होता है एल्डेस्ट, तो अब तो हम समझ गए कि ओल्ड एल्डर एल्डेस्ट जो है ये है हमारा कंपैरेटिव, साथ ही साथ एल्डेस्ट है तो सुपरलेटिव, एक ही चीज को दोहरा रहा हूं, ठीक है, यहां पर भी वही लिखेंगे कंपैरेटिव सुपरलेटिव, और यहां पर क्या मेंशन करेंगे सुपरलेटिव, और ये दोनों फॉर्म किसका है ओल्ड का, तो देखो यहां से भी दोनों फॉर्म हो गया ओल्ड एल्डर एल्डेस्ट, ओल्ड ओल्डर ओल्डेस्ट, समझ में आ गया। अब देखो हम ओल्डर और एल्डर का इस्तेमाल करेंगे दोस्तों, एल्डर का हम इस्तेमाल करते हैं हम किसी फैमिली मेंबर के लिए, ठीक है ना, और वो भी सेम फैमिली मेंबर की हम लोग क्या करते हैं जब हम लोग बात करते हैं, तो ध्यान से हम लोग देखेंगे, ठीक है, इसके लिए क्या करते हैं, हाँ एल्डर के लिए यूज फॉर द सेम फैमिली मेंबर ऑफ द फैमिली, सेम फैमिली मेंबर की बात का हम इस्तेमाल करते हैं, इसका भी इस्तेमाल करते हैं हम लोग फैमिली मेंबर के साथ साथ अदर फैमिली मेंबर और थिंग्स के लिए, एक बहुत क्लू आपको बता देता हूं, वैसे बहुत लंबा चौड़ा डिस्क्रिप्शन करने की जरूरत नहीं है, क्या करते हैं अदर फैमिली मेंबर्स, और दूसरा में जब कोई थिंग्स होगा तो भी हम इस्तेमाल करेंगे, हम किसका इस्तेमाल करेंगे ओल्डर का,
जैसे अब हम एग्जाम्पल्स लेंगे और भी कई कई रूल्स देखने को मिलेंगे हमें, वो मैं आपको बता के चलता हूं। अब देखो एल्डर के कॉन्सेप्ट क्या है हमारा। एल्डर सेम फैमिली मेंबर के लिए होगा और एल्डर जब कंपैरेटिव डिग्री होता है, याद रखेंगे जब कंपैरेटिव डिग्री होता है तो हम इसके साथ दैन का प्रयोग दोस्तों नहीं करते, इस बात का ख्याल रखेंगे। जैसे हम कहेंगे ठीक है ना, ही इज माय एल्डर वर्सेस ओल्डर ब्रदर, तो अब आप देखोगे कि एक ही फैमिली की बात है ना, वह जिस फैमिली से मैं हूं वह उसी फैमिली से वह है और वह मेरा बड़ा भाई है, तो यदि आप ओल्डर इस्तेमाल करेंगे तो कंसेप्ट गलत हो जाएगा। क्या इस्तेमाल करना होगा हमें एल्डर, ठीक है ना, यानी हम लोग एल्डर को कंपैरेटिव फॉर्म विद दैन का इस्तेमाल नहीं करेंगे लेकिन ओल्डर का हम इस्तेमाल करेंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, He is ठीक है ओल्डर स्लैश या आप कह लो एल्डर देन मी या देन हिज फ्रेंड। आप यहां पर बता सकते हो मुझे कि क्या होगा करेक्ट आंसर? ओल्डर। ओल्डर एल्डर तो हम क्या कहेंगे, कितनी आसानी से आप पहचान ले रहे हो कि कब ओल्डर होगा कब एल्डर होगा। नेक्स्ट एग्जांपल ठीक है, नेक्स्ट सी इज द एल्डेस्ट वर्सेस ओल्डेस्ट सिस्टर ऑफ माय भाई, हमारे फैमिली में अंकल भी है उनकी भी बेटियां हैं, लेकिन जो सी है ना वो हमारे जो सी जो गठबंधन, तो अब वो मेरी फैमिली के जितने भी अंकल है हमारे फैमिली सबको इंक्लूड करते हैं तो वो सबसे बड़ी है, यानी ये मेरी फैमिली की ना बात कर रहे हैं, तो अब यहाँ पर एक ही फैमिली है तो ओल्डेस्ट नहीं होगा, क्या हो जाएगा? लेकिन एक एग्जाम्पल कर देते हैं, जैसे ही इज द एल्डेस्ट वर्सेस ओल्डेस्ट मैन ऑफ दिस विलेज, भाई वो इस विलेज के सबसे उम्र दराज व्यक्ति है। अब बताओ क्लियर है? अब भाई विलेज की बात की तो हमारी फैमिली के मतलब थोड़े होगा, बिल्कुल आप समझोगे क्या हो जाएगा। इसी पैटर्न पर आपको सेंटेंसेस एल्डर ओल्डर और एग्जांपल ले लेता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। चलो देखो और एग्जांपल्स, ठीक है ना, ठीक है ना, नेक्स्ट एग्जांपल से ले लो ठीक है। दिस ट्री इज एल्डर ठीक है वर्सेस ओल्डर than that of this tree is elder versus older than that of this or than that of this, yeah ठीक है, this का that means than that of that yeah that tree older than that of this than that of this older। अब यहां पर जो होगा हमारा क्या इस्तेमाल कर देंगे, ओल्डर का इस्तेमाल करेंगे, तो यही कॉन्सेप्ट है। जल्दी से एग्जांपल सबको देख लो, आसानी से आपको क्या हो जाएगा बन जाएगा हमारा, ठीक है फ्रेंड्स, तो यही हम लोग का ओल्डर एल्डेस्ट में कॉन्सेप्ट रहता है। तो फ्रेंड्स और भी एग्जांपल जैसे देख लो सकते हो और एग्जांपल से बात कर लेता हूं, जैसे और देखो बहुत साधारण साधारण आपको होंगे, जैसे एग्जांपल रमेश इज ओल्डर वर्सेस
एल्डर देन सुरेश। तो अब यहां पर देखो एक ही फैमिली की तो नहीं है, यहां पर कुछ ऐसा नहीं है, तो मैं ऐसे भी देखो कि एल्डर के बाद पहले कॉन्सेप्ट बता के देन नहीं लगता है, तो यहां पर क्या हो जाएगा ओल्डर। यही सारे एग्जांपल्स होंगे। नेक्स्ट एग्जांपल से लेते हैं, ठीक है, क्या कर सकते हैं, माय फादर इज द ओल्डेस्ट और एल्डेस्ट एल्डेस्ट मैन ऑफ माय विलेज। तो अब यहां पर देखो अमंग सेम फैमिली नहीं है, ओवरऑल कंपैरिजन है, तो माय फादर इज द एल्डेस्ट मैन ऑफ माय विलेज पूरे उम्र दराज को। यहां पर फिर हम किसको प्रीफर करेंगे दोस्तों, एल्डेस्ट को। तो हम फ्रेंड्स हमें नहीं लगता है कोई दिक्कत, एल्डेस्ट को ना विलेज की बात है, सेम फैमिली इसमें तो माय फादर कह रहा है, तो मेरा पिताजी तो अपने फैमिली की बात नहीं है, ये विलेज है ना, तो विलेज सब आप ही का फैमिली है नहीं। जैसे सिर्फ रहता कि माई फादर इज द ओल्डेस्ट और एल्डेस्ट मैन ऑफ माई फैमिली, यदि यहाँ पर फैमिली वर्ड इस्तेमाल कर देते हैं तो फिर हमारा क्या हो जाता, एल्डेस्ट हो जाता। मेरे पिताजी मेरे फैमिली का मेंबर है ना, तो हम भीले से ना कंपैरिजन कर रहे हैं, अपने फैमिली मेंबर से रहते तब ना, ठीक है, आप इतना ही समझोगे, जब यहाँ पर हम फैमिली वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं तब एल्डेस्ट हो जाएगा, लेकिन हम अपने फैमिली से नहीं कंपैरिजन कर रहे हैं, वो किसी दूसरे पर्सन से या दूसरे समथिंग से कर रहे हैं, तो कंफ्यूज नहीं हो, हम यहाँ पर ओल्डेस्ट इस्तेमाल करेंगे कब, जब विलेज लिखेंगे तब, एल्डेस्ट इस्तेमाल करेंगे जब हम फैमिली। तो हम साथ ही समझते हैं, ये था हमारा आज का कुछ डिटरमाइनर्स, काफी इंटरेस्टिंग रहा होगा। अगले में हम लोग के पास और भी कई सारे टॉपिक्स हैं, हम लोग फार फर्दर फर्दस्ट में देखेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया हो, तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना, और पसंद भी आया हो तो लाइक भी कर देना, और चैनल पर अभी नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। हम और भी डिटरमाइनर्स के जो भी वीडियोस हैं और जो भी पार्ट्स बचे हुए वो लेकर मैं आपको जरूर बनाऊंगा आपके लिए। तो थैंक्स फ्रेंड, आज की सेशन में इतना ही, मिलते हैं नए सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।